30 नवंबर 2021। विश्राम घाट व्लॉग, अगर नहीं देखा तो ऊपर कार्ड पर टैप करके या डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर टैप करके देख लेना। मथुरा के 25 घाटों में से विश्राम घाट मेन घाट है। इसके दोनों तरफ 12-12 घाट हैं, जैसे बंगाली घाट, युगल घाट, वासुदेव घाट और भी कई सारे। भगवान कृष्ण जी ने अपने मामा का वध करके इसी जगह विश्राम किया था, इसलिए इस जगह को विश्राम घाट कहा जाता है। ये है कंस को मार करके भगवान ने विश्राम किया था, इसका नाम बोला जाता है विश्राम घाट, जो कंस को मार करके इधर भगवान ने विश्राम किया था। 12 घाट इस तरफ है और 12 घाट उस तरफ, बीच में है विश्राम घाट, जो भाई बहन का जो स्नान होता है दिवाली के तौज वाले दिन, वो उसी विश्राम घाट ऊपर होता है। जो मुरारी बापू ने कथा करी थी कि पेड़ों में जो विश्राम घाट से शुरू की थी और विश्राम घाट से ही एंड करके चले गए, ये सबसे बड़ा विश्राम घाट बोला जाता है, जो भाई बहन का जो स्नान होता है वो जमलोक को नहीं जाता है। सॉरी अंकल जी, थोड़ा नर्वस हो गए, बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा बोला जाता है कि दिवाली के बाद जो भाई बहन दूर जाती है, तब यमुना जी में जो भाई बहन साथ में डुबकी लगाते हैं सुबह 4 बजे, तो फिर वो यमलोक नहीं जाते। मथुरा में यही मेन घाट है, उस दिन यहाँ बहुत श्रद्धालु भी आते हैं, यही बोलना चाह रहे हैं। और कृष्ण भगवान की जेल है जन्मभूमि, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और कंस का अखाड़ा है होली गेट के बाहर, जहाँ कंस को भगवान ने मारा था, इसका नाम बोल दिया विश्राम घाट। ये द्वारका नाथ का घाट बोला जाता है। और गोकुल है यहाँ से 12 किलोमीटर तक, जब गोकुल के सामने आगे थे, जब ऐसे पार होते कृष्ण भगवान को लेकर के, पांचलोकी घाट, जो कृष्ण भगवान को सुम में धर करके गोकुल लेके गए थे, तो उसी घाट से ऐसे किनारे किनारे गोकुल लेके गए। गोकुल यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, जब गोकुल के सामने आगे थे, जब ऐसे पार होते कृष्ण भगवान को लेकर के। कंस का अखाड़ा है होली गेट के बाहर, जहाँ कंस को भगवान ने मारा था और जहाँ से आपको बिठाल करके लेके आए हैं, उधर कंस को मार करके भगवान ने विश्राम किया था, इसलिए उसका नाम रख दिया विश्राम घाट। 12 घाट इस तरफ हैं और 12 घाट उस तरफ, बीच में है विश्राम घाट, जो भाई बहन का जो स्नान होता है दिवाली के तौज वाले दिन, वो उसी विश्राम घाट ऊपर होता है। विश्राम घाट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप यहाँ बोट राइड भी ले सकते हैं, और ये अंकल जी बहुत अच्छे हैं। अगर आप विश्राम घाट आए तो अंकल जी की बोट में आप बैठ सकते हैं, यहाँ आप बर्ड्स को नमकीन भी खिला सकते हैं, ये व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप विश्राम घाट आते हैं तो शाम वाली आरती जरूर देखें। तो बस यही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।